हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंग एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। आज का टॉपिक है हमारा स्टूडेंट इनिशिएटिव टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट। ओके, यानी कि कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ये हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो आपको रिलेट करना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड। दैट्स क्लियर, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इनिशिएटिव टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट। ओके स्टूडेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है हमारा जैविक कृषि, इसमें जो राज्य सरकार है वो कौन कौन सी पहल लाई है इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ्टन टेक ए वेरियस इनिशिएटिव टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग ड्यू टू इट्स एनवायरमेंटल एंड हेल्थ बेनिफिट्स। ओके, जो हमारी राज्य सरकार है वह कई प्रकार की पहल लाई है जो प्रमोट करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग को। ओके, जो हमारे प्रमोट करती है जैविक कृषि को ड्यू टू इट्स एनवायरमेंटल एंड हेल्थ बेनिफिट्स, यानी कि जो हमारे वातावरण को और उसकी हेल्थ को बनाए रखती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। हेयर आर सम स्टेप्स टिपिकली इन्वॉल्व इन सच इनिशिएटिव। चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ स्टेप्स जो हम लोग को आगे पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ इन्वॉल्व किया गया है इनिशिएटिव, यानी कि पहल जो कि किसकी तरफ से है, राज्य सरकार की तरफ से है। चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट हमारा स्टूडेंट अवेयरनेस कैंपेन। ओके, लॉन्चिंग अवेयरनेस प्रोग्राम टू एजुकेट फार्मर एंड कंज्यूमर अबाउट द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, इंक्लूडिंग रिड्यूस केमिकल यूज, इम्प्रूव्ड सॉयल हेल्थ एंड हेल्दियर फूड ऑप्शंस। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी राज्य सरकार है वो क्या करती है, वह अवेयरनेस कैंपेन चलाती है। ओके, जिसमें कि लिखा गया यहाँ पे लॉन्चिंग अवेयरनेस प्रोग्राम, वो क्या करती है, लॉन्च करती है अवेयरनेस प्रोग्राम, जो कि जागरूकता एक प्रोग्राम है जो जागरूक करता है लोगों को, एजुकेट करता है हमारे किसानों को, कंज्यूमर्स को अबाउट द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी वो बताता है कि क्या लाभ है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जैविक कृषि का, इंक्लूडिंग रिड्यूस केमिकल यूज। और इसमें बताता ये भी है कि कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं केमिकल जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सिंथेटिक फर्टिलाइजर वगैरह का। इम्प्रूव्ड सॉयल, सॉयल का कैसे सुधार कर सकते हैं उनके सॉयल हेल्थ का, एंड हेल्दियर फूड ऑप्शंस, और क्या क्या हेल्दियर फूड ऑप्शन है जो कि हम लोग ग्रो करा सकते हैं और प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है हमारा राज्य सरकार, उन्होंने एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई है। ओके, सो ये कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है हमारा स्टूडेंट ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स। ओके, ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग सेशंस, वर्कशॉप्स एंड सेमिनार फॉर फार्मर टू लर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक सच एज कंपोस्टिंग, क्रॉप रोटेशन एंड नेचुरल पेस्ट मैनेजमेंट। ओके, ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप। ओके, ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग सेशन, ट्रेनिंग सेशन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वर्कशॉप भी, एंड सेमिनार फॉर फार्मर टू लर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक सच एज कंपोस्टिंग, क्रॉप रोटेशन एंड नेचुरल पेस्ट मैनेजमेंट। और क्या किया जा रहा है, सेमिनार किया जा रहा है जिसमें किसानों को सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है किसके विषय में, ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक के बारे में, सच एज कंपोस्टिंग कैसे करना है, क्रॉप रोटेशन कैसे करना है, एंड नेचुरल पेस्ट मैनेजमेंट से भी रिलेटेड। ओके, तो ये कंप्लीट होता है हमारा ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। थर्ड है हमारा स्टूडेंट सब्सिडीज एंड इंसेंटिव। ओके, प्रोवाइडिंग सब्सिडी ग्रांट एंड इंसेंटिव फॉर फार्मर टू अडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ पर जो हमारी राज्य सरकार है वह क्या कर रही है, किसानों को सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, ग्रांट कर रही है इंसेंटिव फॉर फार्मर, किसानों के लिए, ताकि वो अडाप्ट कर पाए जैविक कृषि को, जैविक कृषि प्रैक्टिसेस को। परचेज ऑर्गेनिक इनपुट, जो भी ऑर्गेनिक इनपुट हैं उनको वो परचेज कर पाए, एंड ऑप्टेन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, और वो क्या करें कि प्रॉपर सर्टिफाइड चीज़ों को इस्तेमाल करें जो कि ऑर्गेनिक है और प्रोडक्शन दें। दैट्स क्लियर, तो ये हो गया हमारा पहल किसके तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, थर्ड सब्सिडीज एंड इंसेंटिव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ। फोर्थ हमारे स्टूडेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, यहाँ पर कुछ रिसर्चेस भी किए जा रहे हैं और विकास भी हो रहे हैं। इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड सुटेबल फॉर लोकल क्लाइमेट एंड क्रॉप्स। यहाँ पर हमारी जो राज्य सरकार है वह इन्वेस्ट करी किसमें, रिसर्चेज में, डेवलपमेंट में, किसके, ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स सुटेबल फॉर लोकल क्लाइमेट एंड क्रॉप। क्या लोकल क्रॉप में
क्लाइमेट में सर्च किया जा रहा है कि प्रॉपर आपके जो लोकल क्लाइमेट है उस पर कौन सा क्रॉप अडाप्ट किया जा सकता है सुटेबल वहाँ पे क्रॉपिंग करने के लिए, तो उसमें जो हमारी राज्य सरकार है इन्वेस्ट कर रही है किसमें, रिसर्च में, डेवलपमेंट में, ओके, इंक्लूडिंग ब्रीडिंग जिसमें आपका ब्रीडिंग भी जुड़ा होता है, ऑर्गेनिक सीड एंड डेवलपिंग नेचुरल पेस्ट कंट्रोल सॉल्यूशन, ओके, प्राकृतिक तरीके से कैसे हम पेस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे। सो स्टूडेंट जितने भी आप इनिशिएटिव भी पढ़े हैं वह सभी राज्य सरकार के द्वारा लिए गए हैं हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक कृषि में। इसी के साथ आज के वीडियो कंप्लीट होता है, होप आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ माइंड में आपके कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।